हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशुटेक के आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो वीडियो बनाने वाले हैं वो है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कैसे बूट करें एक सिंगल पेन ड्राइव से, जिसमें कि आप सॉफ्टवेयर भी रखते रख सकते हो, आपका कोई इमेजेस है या फिर कोई आपका जो डेटा है वो सब रख सकते हो। साथ में आप मल्टीपल ISOs जैसे कि विंडोज भी आप मल्टीपल रख सकते हो, जैसे कि विंडोज 7 32-bit 64-bit वर्जन हो गया, विंडोज 8.1 64-32-bit वर्जन हो गया, उसके बाद में विंडोज 10 है जिसमें आप 32-bit और 64-bit वर्जन रख सकते हो, उसका पैच ओवर रख सकते हो। तो ये एक्टिव विंडो के साथ में आपको पेन ड्राइव पूरा कैसे बनाना है उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चालू करिए। तो फ्रेंड्स, हमको सबसे पहले उसके लिए क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र में हमको यहाँ पे लिखना है वेन टॉय करके लिखेंगे तो यहाँ पे साइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो जिप फाइल है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे फिर से हम लोग जिप फाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये हम लोग को सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करके लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद में आपको ये जिप फाइल जो है उसमें से ये फोल्डर आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आपको सिंपली इसको राइट क्लिक करके रन एडमिनिस्ट्रेटर करना है। इसको करने के बाद में आपको यस करना है। यस करने के बाद में ये जो पेन ड्राइव है आपने जो लगाया हुआ वो 8GB 264GB या फिर 128GB का हो कोई भी चलेगा। तो मेरे केस में मैंने इसको विंटॉय से मैंने पैकेज कर लिया है, तो मैं खाली इसको अपडेट करने वाला हूँ। आप क्या कीजिएगा, पेन ड्राइव लगा के इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि दिस डिस्क विल बी फॉर्मेटेड एंड ऑल द डेटा विल बी लॉस्ट। आपको कंटिन्यू करना है तो यस करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मुझे अभी फिलहाल कंटिन्यू नहीं करना क्योंकि मैंने ये पेन ड्राइव ऑलरेडी बूट किया हुआ है, तो मैं खाली इसको अपडेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे यस करके मैंने, तो ये सेम प्रोसेस होने वाला है इंस्टॉल करने के बाद में। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे सेम प्रोसेस होने वाला है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आया है कॉन्ग्रेचुलेशंस विंटॉय हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड टू द डिवाइस। तो उसको हम लोग सीधा ओके कर देंगे। यहाँ पे हम लोग उसको क्लोज कर देंगे। इस पीसे में जाएंगे, ये जो ऐसा कितना मेरा पेन ड्राइव है यहाँ पे, तो ये विंटॉय करके है पेन ड्राइव मेरा, तो ये ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पे सब ब्लैंक रहेगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो सॉफ्टवेयर आप डाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सब सॉफ्टवेयर डाला है, एक्टिवेटेड डाला हुआ है, और उसके बाद में हमने विंडोज 7 अल्टीमेट 64-bit का वर्जन डाला है, विंडोज 10 32-bit का वर्जन डाला है, ये है 32 और 64-bit, विंडोज 7 और 64-bit का वर्जन डाला हुआ है। तो ऐसे ही आपको सेम जो भी ISO आपको बूट करना है, जो भी विंडोज आपको बूट करना है एक सिंगल पेन ड्राइव से, आप यहाँ पे फाइल उसमें जो है सब पेस्ट कर दीजिए आपका पेन ड्राइव। इसके बाद में आप उसको खाली एग्जिट करना है, यहाँ से इजेक्ट कर देंगे। इजेक्ट करने के बाद में मैं आपको जो आगे का प्रोसेस है कि विंडोज बूट होता कैसे है तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज, मैंने यहाँ पे ये जो विंडोज है मैंने भी रिस्टार्ट कर लिया है, तो आपको एक पर्पज के लिए दिखाने के लिए कि आप पेन ड्राइव कैसे बूट करते हैं। तो जैसे कि अभी ये पेन ड्राइव जो है मैं यहाँ पे इसको मैं प्लग कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लग कर दिया है पेन ड्राइव को, और ये जो सिस्टम है इसको हम लोग रिस्टार्ट होने देंगे। क्या है गाइज, रिस्टार्ट होने के बाद में आपको कंटिन्यूसली F12 प्रेस करना है, जैसे कि इसका जो बूट फाइल है, जो बूट मेन्यू है उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे F12 है। तो सिंपली यहाँ पे जाके मैं UEFI एंड SanDisk पे इंटर कर दूंगा। यहाँ पे इंटर करने के बाद में मेरा जो पेन ड्राइव है वो बूट हो जाएगा SanDisk का। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये मेरा पेन ड्राइव जो है वो बूट हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आप कैसे बूट कर सकते हो, तो जैसे कि ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो इसने ये ऑफिस का फाइल है ये तो बूट होगा नहीं। तो जैसे कि विंडोज 10 है तो मैं समझो अभी विंडोज 10 64-bit मुझे इंस्टॉल करना है पीसी में, तो मैं सीधा जाके इस पर क्लिक कर दूंगा, एंटर करने के बाद में यहाँ पे ये चालू हो जाएगा। ये देखिए गाइस, तो उसने जो है ये पेन ड्राइव के थ्रू जो हम लोग ने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम डाला था, तो मैंने वहाँ से एक सिलेक्ट करके उसको ओके करके मैंने चालू कर दिया है।
तो जैसे कि गाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने जो विंडोज़ है उसको बूट कर लिया है। तो ऐसे ही आप इसको पेन ड्राइव को जो है ये विंडोज़ बूट हो गया है तो हमको यहाँ से हम लोग उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। और गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज़ को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू गाइज़।